हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करने वाली हूँ जो कि मुझे हर्ब टॉनिक की तरफ से रिसीव हुए हैं। मैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोग के साथ सब कुछ डिटेल्स शेयर करूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना और साथ ही में दिए गए बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, आजकल के जमाने में कोई भी चीज प्योर मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है, चाहे वो खाने की चीज हो या आपकी स्किन से रिलेटेड हो या आपके हेयर से रिलेटेड हो। सो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि मुझे कुछ दिन पहले हर्ब टॉनिक की तरफ से रिसीव हुए थे। तो मुझे कुछ 7 कंटेनर इसमें रिसीव हुए थे। तो ये हर्ब टॉनिक के ब्रांड से है एंड ये बहुत ही अच्छा है एंड हर्बल प्रोडक्ट है, तो आप इसे डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हो। अगर आपकी पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस है या फिर स्किन या हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये सब दिए गए हैं। तो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है ये सारा हर्बल पाउडर है। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ एंड मैं अपनी स्किन पे भी अप्लाई करके दिखा दूंगी कि आपको इसको कैसे यूज करना है। सो दीज आर द प्रोडक्ट व्हिच आई रिसीव्ड फ्रॉम हर्ब टॉनिक एंड ये सब कुछ 150 ग्राम का है एंड अगर आप इसको कॉम्बो में लेते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो गाइस, पहला जो है दिस इज ऑरेंज पील पाउडर। तो ये ऑरेंज का जो छिलका होता है उसका पाउडर है एंड इसको आप DIY करके भी यूज कर सकते हो। और मुझे इसमें ये बात अच्छी लगी कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आप इसको कैसे DIY करके यूज करोगे। जैसे कि स्किन व्हाइटनिंग के लिए आपको ये ऑरेंज पील पाउडर के साथ वार्म वाटर मिक्स करके पेस्ट बनाना है, देन आपकी स्किन पे अप्लाई करके ड्राई होने के बाद 2 मिनट स्क्रब करके धो देना है। सो नेक्स्ट आई हैव दिस लेमन पील पाउडर। तो नींबू आपकी स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है वो तो आप सबको पता ही है। तो लेमन पील पाउडर के साथ आप दही ऐड करके अपने फेस पे अप्लाई करना है एंड 15 मिनट वेट करने के बाद आपको इसको धो देना है। तो नींबू आपकी फेस पे जो एक्सेस ऑयल होता है उसे रिमूव करने में हेल्प करता है एंड आप लेमन पील पाउडर के साथ बेसन लाइम जूस मिक्स करके आप फेस पे अप्लाई कर सकते हो फॉर ए गुड स्किन कम्प्लेक्शन। और अगर आपको एंटी एजिंग की भी प्रॉब्लम है तो आप लेमन पील पाउडर के साथ टर्मरिक को मिक्स करके भी यूज कर सकते हो। सो नेक्स्ट आई हैव दिस पोमोग्रेनेट पील पाउडर। तो इसमें भी सब कुछ मेंशन है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो स्किन पे एंड हेयर पे भी। यस, आप इसको स्किन एंड हेयर दोनों पे अप्लाई कर सकते हो। सो फॉर स्किन आपको 1 टेबल स्पून ऑफ पोमोग्रेनेट पील पाउडर लेना है एंड 1/2 टेबल स्पून ऑफ लेमन पील पाउडर लेना है एंड 1 टेबल स्पून ऑफ हनी विथ रोज वाटर मिक्स करके आप अपने स्किन पे एक स्मूथ पेस्ट बना के अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपकी स्किन को नेचुरली ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है, आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, अपने एक्ने स्कार्स को लाइटनिंग करने में हेल्प करता है। सो ये बहुत ही अच्छा पाउडर है, नेचुरल है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास है ये पोटैटो पाउडर। तो आलू आपकी स्किन को वाइटनिंग करने में हेल्प करता है, आपके एक्ने मास्क को कम करने में हेल्प करता है, अपने डार्क सर्कल को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसका क्या बेनिफिट है, आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। एक्ने के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए एंड डार्क सर्कल रिड्यूस के लिए आप पोटैटो पाउडर के साथ वाटर ऐड करके अपने आईज के आउटर साइड पे अप्लाई कर देना है एंड 20 मिनट के बाद आप इसको कूल वाटर से वॉश कर देना है। सो नेक्स्ट मेरे पास है ये टोमेटो पाउडर। तो टोमेटो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो टोमेटो आपकी स्किन को लाइटनिंग करने में हेल्प करता है, एक्ने एंड पिंपल के लिए बेस्ट है, सन टैनिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको टैनिंग की प्रॉब्लम है तो आप टोमेटो पाउडर के साथ योगर्ट एंड टर्मरिक पाउडर मिक्स करके इमीडिएटली आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम सन एक्सपोजर आपको अपने नेक एंड फेस एंड जहाँ पर भी सन टैनिंग हुआ है आपको उसको अप्लाई कर देना है एंड आफ्टर 15 मिनट ये सूख जाने के बाद आपको ठंडे पानी से इसको धो लेना है। हेयर्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है, अगर आपकी हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है एंड हेयर डल डैमेज हो गया है तो आप टमाटो पाउडर को पानी के साथ मिक्स करके आज DIY हेयर मास्क स्कार्प ट्रीटमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आई हैव दिस बीट रूट पाउडर। तो ये तो आपके लिए 3-in-1 का काम करेगा क्योंकि आपके स्किन के लिए, लिप्स के लिए एंड हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये आपकी स्किन को ग्लोई बनाता है, पिंपल फ्री स्किन प्रोवाइड करता है एंड रोजी लिप्स देता है। तो
फॉर ग्लोइंग स्किन आपको 1 टेबल स्पून बीटरूट पाउडर के साथ हनी एंड मिल्क मिक्स करके एज ए थिक पेस्ट आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। फॉर रोजी लिप्स सिंपली मिक्स बीटरूट पाउडर विथ हनी एंड मेक ए पेस्ट, अप्लाई इट ऑन योर लिप्स फॉर 15 मिनट्स, देन वॉश इट ऑफ। आपको ये हर 2 से 3 दिन में अप्लाई करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट। सो लास्टली मेरे पास है ये मुल्तानी मिट्टी पाउडर, तो मुल्तानी मिट्टी ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। फॉर ए ऑयल कंट्रोल मास्क आपको मुल्तानी मिट्टी पाउडर के साथ 1 टेबल सॉफ्ट टोमेटो जूस एंड पिंच ऑफ हब्टोनिक सैंडलवुड पाउडर एंड उसको एक थिक पेस्ट बनाना है एंड देन एक पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर ऐड करना है। देन आप इसको स्किन पे अप्लाई करके 15 to 15 मिनट वेट करना है, देन वार्म वाटर से आपके फेस को वॉश कर देना है। सो मुल्तानी मिट्टी आपकी डेड स्किन को रिमूव करने में हेल्प करता है एंड आपकी स्किन को एक इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करता है। सो ये सब कुछ एक कॉम्बो पैक में था, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए मैं इसको अपने फेस पे भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है टोमेटो पाउडर एंड लेमन पील पाउडर। तो एक कटोरी में 1/2 टेबल स्पून टोमेटो पाउडर एंड 1/2 टेबल स्पून लेमन पील पाउडर ले रही हूँ। मैं यहाँ पे एक स्किन लाइटनिंग मास्क प्रिपेयर कर रही हूँ एंड इसमें वाटर ऐड करके एक पेस्ट बनाऊँगी। देन कुछ इस तरह से आपको अपने फेस पे इवनली मास्क को अप्लाई कर देना है। देन आफ्टर 10 to 15 मिनट आपको इसको ठंडे पानी से धो लेना है। टोमेटो आपकी स्किन को लाइटनिंग करता है, आपकी पोर्स को श्रिंक करता है एंड आपकी जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है उसको ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड किया था लेमन पील पाउडर, सो इट ऑल्सो हेल्प स्किन लाइटनिंग एजेंट व्हिच हेल्प्स टू रिमूव डार्क स्पॉट्स स्कार्स एंड ब्लेमिशेस। So that's it for today's video guys. I hope ये वाला video आपके लिए helpful रही होगी। If you like this video then please give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and share this video with your friends and family. So till then take care. Bye bye. Love you all.